उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आपदा से प्रभावित दो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों की जान बचाने के लिए पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और ITBP की टीमें काम कर रही है। अब तक दो शवों को बरामद किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि NDRF की टीम मार्च कर चुकी है, जबकि ITBP और SDRF की टीम पहुंच चुकी है। तबाही में हताहत होने वाले लोगों की संख्या में बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका है। ग्लेशियर के टूटने से अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ के चलते आसपास बसे लोगों को हटाया जा रहा है। कई घरों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही जोशीमठ के करीब बांध टूटने की भी खबर है। ITBP के जवान बचाव कार्य के लिए पहुंच गए हैं। NDRF की टीमें गाजियाबाद से चमोली के लिए भेजी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रैनी गांव में बिजली परियोजना पर हिमस्खलन के बाद धौलीगंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को ऊपरी इलाकों में भेजा जा रहा है। ग्लेशियर फटने से हुई तबाही को देखते हुए श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार समेत अन्य जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, चमोली के रिनी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश व अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। नदी में अचानक पानी आने से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को क्षेत्र से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरी सभी से विनती है कि कृपया कोई भी पुराने वीडियो शेयर कर पैनिक ना फैलाएं। स्थिति से निपटने के सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषिगंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में टूटे हिमखंड से आए बाढ़ के कारण धौलीगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित रैनी गांव के समीप स्थित एक निजी कंपनी की ऋषिगंगा बिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा धौलीगंगा के किनारे बाढ़ के वेग के कारण जबरदस्त भूकटाव हो रहा है। चमोली के जिला प्रशासन की ओर से अलकनंदा नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिगंगा में आए बाढ़ के पानी के वेग को देखते हुए रैनी और तपोवन कस्बों में लोग दहशत में आ गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रातः अचानक जोर की आवाज के साथ धौलीगंगा का जलस्तर बढ़ता दिखा। पानी तूफान के आकार में आगे बढ़ रहा था और वह अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को अपने साथ बहाकर ले गया।